नमस्कार, प्रयागराज के मेजर से बड़ी खबर। इलाकाई थाना क्षेत्र के सिरसा अंतर्गत मोहल्ला मुंशी राम स्वरूप निवासी रामजीत निषाद पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ निषाद की आज बारात जाने वाली थी, जिसमें घर पर रिश्तेदारों का जमावड़े के साथ खुशी का माहौल था। अचानक इस मौके पर उस समय हाहाकार मच गया जब घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर पाइप लीक होने के कारण अचानक आग लग गई। जी हां, आग लगने के कारण घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामजी निषाद के यहां रामनगर में बारात जाने वाली थी। मौके पर आसपास के लोगों ने आग को काबू में लिया। रामजी निषाद ने बताया कि लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मेजा से गिरीश चंद शर्मा की खास रिपोर्ट। आग कैसे लगी भैया? भैया ये पाइप से जो है ना करीब 2 इंच मतलब बाहर से वो सिलेंडर के पास 2 इंच बाहर से मतलब वो पाइप लीकेज थी। तो वहाँ पे हम गए कि दो बोरे भी डाले, एक सिलेंडर पर डाले, दो उसके चूल्हे पे डाले, वो इंडिकेटर उठा फेंक दें। इंडिकेटर हम नहीं फाड़ फेंके, वो चूल्हा की जो आग थी 1 इंची पागल से 2 इंची वो जाके सीधा सिलेंडर पे पड़ता था, इसलिए हम नहीं फाड़ पाए, इससे आग लग गई पाइप से। आपके यहाँ बारात भी जानी थी? हाँ हाँ, बारात है, शाम की 5 बजे जाती थी। सामान कितने की जला आपको? अरे सामान तो काफी जल गया, सारा कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी बचा सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। लगभग कितने का सामान? अरे सामान तो लगभग 2 लाख से ऊपर। शाम की जाती है बारात, जो सामान कुछ लाए थे सब कुछ जल गया।